हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव ब्लॉग। आज है संडे और अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट आज के लिए। काफ़ी लोग स्केड्यूल नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं कोई भी प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बनाती, उस दिन मैं चीज़ों को लाइटली लेती हूँ और अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती। इसलिए मैं एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और हम अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। ये बन रही है हमारी सुबह की चाय, और सुबह काफ़ी देर तक उठने के बाद तो भूख नहीं लगती है, इसलिए मैं फ़्रेश फील करने के लिए चाय या कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ। मेरी संडेज़ की सुबह काफ़ी आराम से गुजरती है, आराम से चाय पीती हूँ, आराम से ब्रेकफास्ट होता है, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। लेकिन वर्किंग डेज़ पे सब कुछ इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी, और यहाँ पर मैं चाय के साथ साथ ही अपना न्यूज़पेपर भी ख़त्म कर लूँगी। आज संडे है तो संडे के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। और कुछ टाइम से मैंने द हिंदू से इंडियन एक्सप्रेस पर स्विच कर लिया, ये आप लोग जानते ही होंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। इंडियन एक्सप्रेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आप उसको आसानी से समझ भी लेते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट किया कीजिए, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये मोटिवेशन डाउन क्यों हो जाता है। जब भी हम किसी को पढ़ते हुए देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशन टॉक सुनते हैं तो हम एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं और जोर शोर से पढ़ाई में लग जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ही हम फिर से अपने पुराने रंग ढंग में आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो ऐसा हमारे साथ होता क्यों है? सो गाइज, ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि जो रूटीन हम देखते हैं उसके लिए हम हैबिचुअल नहीं होते। नो डाउट कि मोटिवेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन से हमें बहुत हेल्प मिलती है, बट हैबिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैबिट्स से मेरा मतलब है डेली 6 to 8 hours स्टडी, न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली करंट अफेयर्स और डेली टेस्ट आंसर राइटिंग एक्सेट्रा। सो दीज आर दी हैबिट्स विच हेल्प यू टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। सो टूडे आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट अ प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू टू मेक दीज हैबिट्स। This is integrated learning platform by IS Baba and it provides you all the features like daily plan, daily answer writing, test, etc. And in only 3 months, you will be a totally different person by using this holistic approach for your preparation. So let's talk about some features of ILP. In ILP, you get 365 days proper plan with micro planning like daily notes, daily test, and daily mains answer writing on that topic. Extensive NCRT coverage for 3 months and 72 prelims test plus 50 mains test. You get Babapedia for current affairs and strategy videos for every subject, plus mind maps are also provided. There is a progress bar feature to track your progress and performance. Now let's have a look at ILP 2023 portal. This is the homepage of ILP portal where whole UPSC syllabus is divided into 365 days. In the course plan, you get ILP plan for every day. Here all the resources to be covered are mentioned for that particular topic. You also get the value added notes of IS Baba which are explained with the help of more innovative examples. You also get daily tests for that particular topic. After covering these sections, you will cover your current affairs through Babapedia which have two components. One is Prelimspedia and other is Mainspedia. Here you get news from the Hindu and Indian Express plus all other important newspapers like Live Mint. The mains media section cover your current affairs in the mains answer format. And guys, ILP is also available in Hindi. So guys, that's all about ILP portal. The link is provided in description box and you can use my code GLOSSY10 for 10% discount. And guys, abhi ho rahe hain 9:15 aur breakfast ho chuka hai. एंड गाइज, आप देख ही रहे होंगे कि मैंने अपना स्टडी स्पेस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम लोग इतने सारे नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स जो हमेशा फाइल्स में, नोटबुक्स में दबे रह जाते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें बार बार रेफ़र करना है। तो इसलिए मैंने ये नोटिस बोर्ड यूज़ करना शुरू किया है जिससे कि मैं बार बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर रेफ़र कर सकूँ। सो आप लोग भी कुछ ऐसा आइडिया अप्लाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बार बार नज़र डालने के लिए। एंड गाइस, इट्स ऑलरेडी 9:30 और मैंने अपना फर्स्ट सेशन आज का शुरू कर दिया है जिसमें मैं सोल्व कर रही हूँ PYQ, और मैं हमेशा लास्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ क्योंकि वो आपको वहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं जिससे आपको आजकल क्या पैटर्न चल रहा है वो पता चलता है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन पेपर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा स्टडी ब्लॉग 42 रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के बारे में डिटेल में बताया है। और जो भी बुक्स आपको जाननी होती कि मैं क्या रेफ़र कर रही हूँ या फिर मेरी वीडियोस में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो गाइस, मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं 1.5 आवर के ही सेशन जनरली रखती हूँ, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी बनी रहती है। इससे ज़्यादा के सेशन रखने में फिर आप बोर होने लगते हो। और अभी मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है, जिसमें मैंने कल जो कपड़े वॉश किए थे मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। जनरली मैं अपना सारा काम सैटरडे नाइट को निपटा लेती हूँ, ताकि मैं संडे को अच्छे से स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकूँ। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स पास आ चुका है तो रिवीजन शुरू हो चुका है। ऑलरेडी स्टैटिक का रिवीजन चल रहा है, करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, और करंट अफेयर के रिवीजन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ PT 365। और अभी सेशन में, ये मेरा सेकंड सेशन है आज का, इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ PT 365 फॉर इकॉनमी। एंड गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही करंट अफेयर में बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक आया, मैंने जल्दी से जो फ्लो चार्ट लगा रखा था उसको रेफ़र किया और मेरा क्विक रिवीजन हो गया। ऐसे ही आप भी ये आइडिया अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी इसे फॉलो करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एंड गाइज, आफ्टर सेकेंड सेशन नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर लंच। एंड जो लोग बोलते हैं कि आप लॉन्ग ब्रेक लेते हो, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये ब्रेक नहीं होता है मेरा, इसमें भी मैं काम ही कर रही होती हूँ। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे लॉन्ग ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। एंड लंच में मैं जनरली दाल चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी टाइम बच जाता है और बाहर का खाना भी नहीं खाना पड़ता। तो जो लोग मेरी तरह अकेले रहते हैं तो वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है, आप लोग जानते हैं। लंच के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। कुछ लोग पूछ रहे थे आप कभी नैप नहीं लेते क्या? मैं नैप भी लेती हूँ आफ्टर लंच, अगर मेरे पास टाइम होता है तब। जैसे कि वर्किंग डेज़ पे ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन संडेज़ को मैं लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और अब मैं अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रही हूँ, इसमें मैं NCERT पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी के लिए। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि लक्ष्मीकांत ही सफिशिएंट है, और आपने काफ़ी जगह से सुना होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने NCERT पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर थी और मुझे टॉपिक्स अच्छे से याद हो रहे थे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड गाइस, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस, जिससे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो आपको लक्ष्मीकांत में डिटेल में नहीं मिलेगा, वो NCERT में आपको डिटेल में मिलेगा। सो आप लोग ट्राई करें कि पहले इंपॉर्टेंट NCERTs फिनिश करें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करें। एंड नाउ इट्स माई इवनिंग टी टाइम, और मैं हमेशा खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, चाय पीते हुए कोई ना कोई करंट अफेयर या स्टडी रिलेटेड वीडियो देखती रहती हूँ, जिससे कि मेरा घर के काम की वजह से टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जिन लोगों को लगता है कि हम घर के काम करते हैं तो हम पढ़ाई कैसे करें, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं स्टडी के लिए, तो इस तरह से अपने फ़ोन को यूटिलाइज़ करें अपनी स्टडीज़ के लिए, तो कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए, मैं जो भी वॉक वगैरह के लिए या वर्कआउट के लिए जाती हूँ वो मैं पास ही के पार्क में जाती हूँ। एंड दीज डेज़ आई एम नॉट डूइंग वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपको नींद आने लगती है, और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है तो नींद आना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ आजकल वॉक ही कर रही हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपका दिन कितना भी हेक्टिक हो, आप कितने भी बिजी हो, हमेशा अपने लिए आधा घंटा या 45 मिनट्स ज़रूर निकाले, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश होगा, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसके बाद आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएंगे, आपकी एफिशिएंसी ही बढ़ेगी। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, नेचर के बीच जाते हैं, तो आपको फ्रेश एयर मिलती है। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. और अब मैं थोड़ी सी सेट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा मैथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ यूट्यूब लेक्चर्स देख के, क्योंकि पेपर टू भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका पेपर वन क्लियर हो जाता है लेकिन पेपर टू क्वालिफाई नहीं हो पाता, इसलिए मैं थोड़ा डेली कुछ टाइम मैथ्स प्रैक्टिस और रीजनिंग प्रैक्टिस को भी देती हूँ। सो गाइज, नाउ आई विल कंटिन्यू माई स्टडी एंड विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. And don't forget to subscribe and share the video.